अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इफ्तिखार शरीफी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, कल जो मार्केट ने 1500 का एक अच्छा खासा डंप लिया है, क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह है, क्या मजीद आने वाले टाइम में कितना मजीद नीचे क्रिप्टो करेंसी जा सकती है, बिटकॉइन की दुनिया जा सकती है, या प्यारे भाइयों अप जाने के कितने चांस हैं। कल तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा बुलुश था, लेकिन मैं तभी कहता रहता हूं कि जब भी किसी भी कोइन से आपको प्यारे भाइयों प्रॉफिट मिल रहा हो तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। एक बैड न्यूज आई तो मार्केट ने यकदम रातों रात प्यारे भाइयों अंधेर नगरी मार्केट में छा गई। अब वो क्या न्यूज है उसको देखते हैं प्यारे भाइयों। तो ये है प्यारे भाइयों टेस्ला ने जो कुछ बाय किया हुआ है तो उसमें से उन्होंने बोला है कि हम सलाम अलैकुम कर रहे हैं। ये टेस्ला मदारी, चैनल मदारी, एन एन मास मदारी, ये प्यारे भाइयों मदारी वाला सिस्टम करती है। इसके बाद वो माइक्रो स्ट्रेटजी मदारी, ये पांच छह जो मदारी है ना, इन पर आप कड़ी नजर रखा करें। ये उस वक्त प्यारे भाइयों कोई ना कोई अनकानूनी खेल खेलते हैं जब प्यारे भाइयों उन्होंने प्रॉफिट बुक करना होता है, या जिस वक्त प्यारे भाइयों इनको व्हेल्स इशारा करती है कि अब ये न्यूज दे दो, तो ये दिल चाहे तो उन्होंने बाय ना किया हूं तो मार्केट धड़ाम से नीचे, तो उस वक्त अच्छी खासी जो इकॉनमी जो है वो अच्छी भरी जो है वो प्रॉफिट में जा रही होती है हर बंदे की, तो पता था चलता हो यार ये तो 10% नीचे हो गया। तो प्यारे भाइयों टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब कौन सा प्यारे भाइयों पॉइंट है जिस जगह से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए? एक तो जी है प्यारे भाइयों, ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। अब देखें तो अच्छी खासी जो है वो अप जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। ये जो मंथ है अभी तकरीबन 10 दिन रहते हैं, ये अबव हो जाती है तकरीबन, ऐसे समझे कि ये आपके सामने है, वो बनता है 21,617, यानी 22,000 से अबव। ये जो मंथली क्लोजिंग है मंथली के हिसाब से देखा जाए तो अबव क्लोजिंग होना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट मंथ है उसमें भी आपको एक अच्छी खासी जो रिलीफ रैली जिसको कहते हैं ना वो देखने को मिले, ठीक है। तो साथ ही मैंने 50 EM में जो है ना वो अप्लाई किया हुआ है। 50 EM में बनता है तकरीबन, ये बन जाता है 22,900 या 23,000। 23,000 से नीचे नहीं आनी चाहिए, यानी 50 EM में डेली का चार्ट ओपन करके, तो उससे मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर उससे नीचे आ गई तो फिर अप जाना मार्केट के लिए, फिर दोबारा से कोई अच्छी न्यूज आएगी, बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा, तो फिर कोशिश करेगी, नहीं तो फिर पुरानी वाली टल्ली जो है वो लाजमी आपने जेन में रखना है। पुराने वाली टल्ली कौन सी है? वही 18,000 से 20,000 वाली टल्ली, 19,000 वाली रेंज जो है उस पर आपने आसानी से प्यारे भाइयों बाइंग कर लीजिएगा। अगर इसको ये प्यारे भाइयों स्टेबल नहीं रखती, यानी आज की जो क्लोजिंग है ये तो ऊपर ही हुई है, आज की जो क्लोजिंग है डेली वो ऊपर ही हुई है 50 EMA के। अब जो कल है वो कल अगर मजीद नीचे हो गई इसके, तो फिर आप बेशक जो है वो मैं यही समझूंगा कि आप शार्ट की एंट्री ले, अगर आपने एंट्री लेनी है इस मूविंग एवरेज को आपने नहीं बोला। अब देखिए ना ये 50 मूविंग एवरेज है, यहां भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, यहां पे भी थोड़ा सा अप जाने की कोशिश की, यहां पे भी थोड़ा सा इसके करीब गई, लेकिन यहां पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खासी इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अब ये भी क्लोजिंग मैं समझता हूं कि अगर हो जाती है अबव तो फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से देखे 50 EMA से अबव क्लोजिंग हुई थी, अच्छा खासा मार्केट ने जो है वो पंप लिया था। यहां पर देखे तो 2-3 क्लोजिंग होने के बाद यहां पे जब मार्केट अल्लाह भला के थी तकरीबन 42,000 पे, 2-3 क्लोजिंग होने के बाद फिर मार्केट नीचे आई और यही लगा कि अब जाने के चांस है, फिर मार्केट ने लिक्विडेट किया ऊपर वालों को पहले, फिर नीचे वालों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जाने की कोशिश करी। हो सकता है यहां पे भी यही सूरत हाल हो रही हो, जिस तरह अभी मार्केट में थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिविटी दिखाई, वॉल्यूम आया, लेकिन ये 1-2 डेली की जो क्लोजिंग है उन पर आपने नजर रखनी है। बाकी ये नीचे उसका सपोर्ट लेवल देखा जाए तो वो बनता है तकरीबन 22,500, एक मेजर सपोर्ट है। उससे नीचे फिर आपको पता है 21,500 बनता है, 20,000, 20,800, ये छोटे मोटे सपोर्ट लेवल बनते हैं।
ऊपर अगर देखा जाए तो वो तकरीबन बन जाता है 23,000। 23,000 से अबव मार्केट को रहना जो है वो प्यारे भाइयों बहुत अच्छा होगा। अगर इससे नीचे गई तो फिर मार्केट में दोबारा से दमादम मस्त कलंदर। तो ये जो बैड न्यूज आती है इसमें प्यारे भाइयों ये ऐसे समझे अनएक्सपेक्टेड होती है, खैर मुतवक्के होती है, इनका तो पता तो होता को नहीं कि कब आ जाए मार्केट जी। खास जो है मवालिया भी होता है, अच्छी न्यूज भी आ रही होती है, लेकिन साथ बड़ी बैड न्यूज आ जाती तो वो सारी जितनी भी पॉजिटिविटी होती मार्केट को हड़म करके तो साइड पे ले जाती है। आपकी राय इसमें क्या कहती है कि वो पंजाबी में कहते हैं जितों की खोती तो उथे अखलोती, ऐसा ना हो कि जिस जगह से मार्केट चली सी 18 से 20,000 से फिर वही धड़ाम से। आपने ये भी याद रखना है कि वो वाला मकूला तो नहीं आ रहा, तो या अब जाने के चांस है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से टपटप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नीचे अच्छा सा कमेंट्स करके अपनी राय का भी इजहार दें, और साथ ही आपने अगर हमारा फ्री वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसको जो है नहीं किया हुआ उसको भी ज्वाइन कर ले। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिग्नल दिया था, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में जा रहा है और इंशाल्लाह प्रॉफिट में भी ही चला जाएगा। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम युनासर।